आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। राजनीति को हमेशा मैंने सेवा का माध्यम बनाया, पर सेवा करके ही मैंने राजनीति की है। इस राज्य को वैसा राज्य बनाए जैसे सपने लोगों ने देखे थे। जनता जिसको मानती है और जानती है और जिसको चुनना चाहती है उसको वोट देती है, इसलिए सीट किसी की नहीं होती, सीट जनता की होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकित काला और आज हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से कैंट से प्रत्याशी सूर्यकांत दसमाना जी। अभी अभी आप नॉमिनेशन करा के लाए हैं, क्या संकल्प लेके जनता के बीच में जा रहे हैं? सेवा मेरा तो मिशन ही राजनीति में, मैं इसलिए हूँ केवल कि राजनीति को हमेशा मैंने सेवा का माध्यम बनाया और सेवा करके ही मैंने राजनीति की है। मैंने जीवन भर, जब से छात्र जीवन में डीएवी कॉलेज का छात्र संघ अध्यक्ष था तब से लेकर के अब तक, मेरे पूरे राजनीतिक जीवन में मेरी राजनीति का केवल और केवल जो मिशन है वो मैं होल टाइमर हूँ। मैं कोई पार्ट टाइम पॉलिटिक्स नहीं करता, मैं अपने जीवन में कोई दुकान नहीं चलाता, कोई बिजनेस नहीं करता। मेरा काम तो केवल और केवल सेवा का है और उसी के माध्यम से मैं राजनीति करता हूँ। मेरा अब भी, आज भी, जब मुझे पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने, राज्य के नेतृत्व ने यहाँ पर विधानसभा के कैंट के क्षेत्र का मुझे प्रत्याशी बनाया है, तब भी मेरा जो संकल्प है, जो मेरा एक सपना है कि इस देहरादून को, इस राज्य को वैसा राज्य बनाएं जैसे सपने लोगों ने देखे थे, उसी के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सर किस तरीके की कोविड की परिस्थितियाँ आई, इस बार आपको समय कब मिला है, कुछ अंतर देख रहे हैं या किस तरीके की तैयारी है? नहीं नहीं, हमारी तैयारी तो लगातार चलती है। हम जिस दिन 2017 में चुनाव हारे उसके अगले दिन से हमने तैयारी शुरू कर दी, और चुनाव की तैयारी शुरू नहीं करी हमने तो, सवाल जो जनता के तमाम समस्याएं हैं उनके ऊपर हमने लड़ाई लड़नी शुरू करी। पूरा चोर खाले से लेकर के मित्र लोग, दीप लोग, टीचर्स कॉलोनी, गोविंदगढ़, राजीव नगर, छोटी बिंदाल से जो बाढ़ से लोग परेशान होते हैं, और 33 वर्ष एक व्यक्ति विधायक रहा हो और एक छोटी बिंदाल की समस्या का समाधान नहीं कर पाया हो, प्रेमनगर का वो अस्पताल जहाँ लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला, आईसीयू नहीं मिला, बेड नहीं मिला, वेंटिलेटर नहीं मिला, वो कैंट के लोग, तड़पते हुए लोग मुझे अब भी याद आते हैं कोविड काल में। मुझे वो समय याद आता है जब 28 दिन यहाँ के मुख्यमंत्री के कहने पे यहाँ के कलेक्टर ने मुझे क्वारंटीन कर दिया, और मेरा दोष ये था कि मैं दून अस्पताल में व्यवस्थाएँ देखने गया था। मैं ये देखने गया था कि जो हमारे कोविड से ग्रस्त लोग वहाँ पर आएंगे उनके लिए क्या व्यवस्थाएँ हैं, आइसोलेशन की क्या व्यवस्था है, वेंटिलेटर आईसीयू की क्या व्यवस्था है, और मुझे ज़बरदस्ती वहाँ पर क्वारंटीन कर दिया। लेकिन उसके बाद लोगों ने देखा कि पूरे कोविड काल में मैं एम्बुलेंस में चला, मैं अपनी गाड़ी में नहीं चला, मैं एम्बुलेंस में चला। उसमें राशन था, उसमें ऑक्सीजन के सिलेंडर थे, उसमें लोगों के लिए दवाएँ थी। मेरा काम सेवा करने का है। राजनीति में कोई भी व्यक्ति होता है उसका पहला मिशन सेवा होना चाहिए। आजकल लोगों का व्यवसाय है, लेकिन मेरा मिशन कल भी, आज भी और भविष्य में भी वो सेवा ही रहेगा। जन सेवा आपका उद्देश्य रहेगा, इस बात में भी कोई दोराई नहीं कि आपने किस तरीके से कोविड काल में कार्य करा हम सबने देखा है। आप ये देखिए कि इस समय अगर हम कैंट का इतिहास देखते हैं तो सबसे वो बीजेपी की एक सीट मानी जाती है। इस बार 17 से क्या कुछ अलग परिस्थितियाँ क्या है? 17 से भी अलग है, 12 से भी अलग है। 12 में सीट बनी, उससे पहले तीन हिस्सों में थी। लक्ष्मण चौक था 2002 में, 2007 में वहाँ दिनेश अग्रवाल साहब हमारे विधायक थे। 2002 और 2007 में जो मसूरी का हिस्सा है उसमें जोत सिंह गुनसोला। तो ये लोगों को गलतफहमी है कि वो बीजेपी की सीट है, फलाने की सीट है। सीट जनता की होती है, जनता जिसको मानती है और जानती है और जिसको चुनना चाहती है उसको वोट देती है, इसलिए सीट किसी की नहीं होती, सीट जनता की होती है। और इस बार हम ये साबित करके दिखाएंगे कि जनता वहाँ पर जो परिवर्तन चाहती है, कांग्रेस का परचम वहाँ पर लहराएगा। तो जय भारत टीवी से बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको विशेषकर बहुत शुभकामनाएं कि आप चुनाव जीत करके आए। तो ये थे हमारे साथ सूर्यकांत दसमाना जो कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कैंट विधानसभा से प्रत्याशी हैं, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जन सेवा उनकी प्राथमिकता है और जो चुनाव है वो आते जाते रहेंगे, लेकिन जो जन सेवा है वो उससे वो पीछे नहीं हटेंगे और इसी को लेकर के वो लगातार काम करते रहते हैं। बहरहाल ये वक्त बताएगा कि किस तरीके के समीकरण देखने को मिलते हैं। अगर आपको हमारा ये काम पसंद आ रहा है, हमारी वीडियो पसंद आ रही है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक मिलती रहे। अपने सहयोगी तपन के साथ मैं अंकित काला, जय भारत टीवी।